वशवा ये बताएं आगे क्या फिल्मों का भी शौक है या सिर्फ ड्रामा वगैरह का ही है? मुझे कि सजेस्ट करते हैं सब लोग कि पहले क्योंकि मैंने एक कर लिया है सिटकॉम किया जवाद बशीर साहब के साथ, लीड कैरेक्टर था उसमें मेरा, तो कुछ एक्सपीरियंस मुझे एक्टिंग का हो गया। उसके बाद फिर मैंने टीवी सीरीज किए हैं, स्टिल शूट्स किए हैं, तो एवरीवन इज सेइंग कि गो टुवर्ड्स ड्रामास एंड देन टुवर्ड्स फिल्म। अच्छा, एकदम से जंप ना लो। आपको है शौक वैसे? जी। किस किस्म के कोई एक्टर्स आपके पसंदीदा हों जिनको आप देख? फवाद खान। फवाद खान जाहिर बात है, ठीक है। और उसके अलावा? वसे चौधरी। बेटा मैम इस प्रोग्राम तो बाद अपना इलाज करवाना। आपने दो एक्सट्रीम्स बता दी हैं, आपको बीच में कोई लड़का ढूंढे ये सीरियस जिंदगी गुजारना चाहती है। एक तरफ फवाद खान, दूसरी तरफ मैं हो गया, बीच में कोई नाम बताइए। मुझसे तो ऑब्वियसली सारे सीनियर है, तो मुझे तो सबकी एक्टिंग ही अच्छी लगती है। नहीं, सबकी नहीं लग सकती। देखें आप हमें बताएं, जो एक होता है आपको खवातीन के अंदर होता है कि यार ये बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। अच्छा, अगर खवातीन की बात करें तो माया अली इज माय फेवरेट। माया अली, ठीक है, रियली लव हर, ठीक है। और महविश हयात की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये दो ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर। महविश हयात और माया अली, ठीक है। तो यू वुड लाइक टू वर्क विद देम? डेफिनेटली, आई वुड लव टू। जबरदस्त। और फिल्में आपको कैसी पसंद है जिसमें आप खुद काम करना चाहेंगे? जैसे परी हट लव थी रिसेंटली आई, जिसमें थोड़ा सा एक्शन हो, रोमांस हो, लेकिन सीरियस स्टोरी लाइन हो, समथिंग लाइक दैट। परी हट लव के अंदर एक्शन कहाँ पे था? जिदो स्टार ने डायरेक्टर ने क्या एक्शन, वो एक्शन। अच्छा, यानी कॉमेडी जो है या हॉरर जो है, डेफिनेटली ये दोनों मुझे इतनी अट्रैक्ट नहीं करती। कॉमेडी और हॉरर नहीं अट्रैक्ट करती? हॉरर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद बहुत डरपोक हूं। अच्छा, तो मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है। लेकिन कॉमेडी इज जस्ट फाइन, ठीक है, बट रोमांस इज द जॉनर दैट आई वुड लाइक टू वर्क फॉर। ठीक ठीक ठीक। रोमांटिक फिल्म? सर आप भी तो एक फिल्म बना रहे हैं अभी। जी। उसका जॉनर क्या है? वो मेरी जो है वो कॉमेडी है। कॉमेडी फिल्म तो आपने कहा कि मैंने नहीं करनी अभी, रोमांटिक। मैं इसलिए थोड़ा सा डिसाइड हो गया था, मैंने कहा मैं फिल्म नहीं करेंगे। हाँ, तो इसके बाद को रोमांटिक फिल्म बनाएंगे तब? रोमांटिक जब मैं बनाऊंगा उस वक्त पता नहीं उसका माइंड चेंज हो जाएगा, फिर मैं कॉमेडी पे आई हूं। जिंदगी में कोई ना कोई आ ही जाएगा जिस तरह के सवाल चल रहे हैं। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने नोट की है नसीम साहब आपके काम में, कि आप जो टाइटल रखते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ये आपको कहाँ से सोचते हैं वैसे? नहीं, वो करंट चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा खेलता हूँ, जो चीज़ चल रही होती है उसी को लेकर के मैं मतलब ज़्यादा चीज़ें बनाता हूँ, मतलब माइंड मेरा उस तरफ ज़्यादा चलता है, तो उसमें ये होता है कि लोग जो हैं उससे जुड़ जाते हैं, उससे कोई ना कोई चीज़ निकल आती। जैसे देवदास थी, मैंने उसका एक बनाया था पैटर्न के देवदास अगर दूध पिए तो वो कैसा रहेगा, तो मैंने ये सोच के किया था कि चले बच्चे तो कम से कम नहीं खराब होंगे, मुझे देख के कोई पिएगा दूध ही पिएगा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है आपका। हाँ जी। कि आप अक्सर इस किस्म की चीजें सोचते हैं जो कि होती रेगुलर है मगर उसको आप ऑफ कर देते हैं। हाँ, मतलब उसकी एक शक्ल दूसरी होती है। देवदास फिल्म तुसी बनाई है, दूध पीता थे, उसका प्रोड्यूसर गुजर सी जनाब। ये आप मजबूरी में लाफ्टर दे रहे हैं। लगता है कोई रिश्तेदारी का मामला है। और ज्यादातर मुझे ही बोलना होता है। अच्छा, ये आपने साथ ही क्रेडिट भी ले लिया, क्या ये सच है या ये भी बोल रहे हैं? इफ्तिखार ठाकर ने जी बहुत काम किया है मेरे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे बहुत अल्लाह के ऊपर है कि इसका जो पहला ड्रामा था जो इसकी जिंदगी का ब्रेक बना वो भी मेरा ही ड्रामा था। अच्छा, रब्बा इश्क ना होवे। और ठाकुर को याद होगा कि जब इस ड्रामे में आया था मैंने इसको ये बात बोली थी कि आप इस ड्रामे में स्टार बनोगे और उसी ड्रामे में स्टार बना। क्या बात है। यार तंग आ गया मैं सिलेबस तो, वर्क एट होम वर्क एट होम वर्क एट होम। अच्छा, हर बंदा मन कही जांदा वर्क एट होम। हां, आज सवेरे बुजदार साहब कोल मैं गया। अच्छा, कल्ले दफ्तर च बैठे, ओके, लैपटॉप ते को काम कर रहे सन। मैं सलूट मार रहा था, लैपटॉप छड़ के ते भाग गए। मैंने कहंदे ने गो 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 वर्क एट होम। वो मैं कह सर वर्क एट होम सिपाही किने वर्क एट होम कर सकदा? क्यों? मैंने कहंदे ने मुझे सिपाही नहीं चाहिए, मुझे पुलिस वाले नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, वर्क एट होम। मैं क्या बड़ी गल है जी, मैं हूं जाके नाका पट के ते अपने घर के बरांडे चला लू, मैं अपने बच्चे नु हाथ कड़ियां ला के ते मंजी नाल बन दे, मैं हूं किचन दे विच हवालात बना दे, या मैं थाने तो लिट्टा ले जाके अपने सालियां ते टेस्ट करा, या हर 5 मिनट बाद मैं अपनी बीवी नु कहां ओ को खर्चा पानी ते ला।
ਮੈਂ ਕੀ ਵਾਰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਚ ਹੋ ਜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਡਕੈਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਭੇਜਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚ ਫੜੇ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਕ ਐਟ ਹੋਮ ਕਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਆਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜਬ ਤੱਕ ਕਹਾ ਹੁਆ ਹੈ ਹਮੇ ਵਰਕ ਐਟ ਹੋਮ ਕਾ ਤਬ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਐਟ ਹੋਮ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੇ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਓਏ ਓਏ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਐਨਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋ 150 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯਾਰ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੀਨਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਆ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾ ਇਤਿਆਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮ ਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਬਾਂਡੇ ਧੋ ਲੈਣਾ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਸ਼ ਮੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵਸ਼ ਮੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਸ਼ ਮੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਸਭ ਇਹ ਕਹਤੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਯੈਸ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸੇ ਵੀ ਐਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਓਏ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰੀ ਯਾਨੀ ਵਰਕ ਐਟ ਹੋਮ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਇਹ 76 ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਬਣਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਬਣਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਤੇ ਬਣਾਣੀ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੈਟ ਹੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਉਂਗਾ ਓਕੇ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜਾਓ ਸਰ ਆਪਕੋ ਵਿਕੀ ਭਾਈ चांद पर जाने के लिए आप एक स्पेस रॉकेट के अंदर बैठे हैं साथ आपके दो सीट्स हैं उसके अंदर एक पे आप बैठ गए हैं दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं चांद पर लेकिन जिसको लेकर जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगे आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान और हुमायूं सईद शान तो इधर मिल ही जाता है हुमायूं सईद नहीं मिलता हुमायूं सईद हुमायूं सईद चांद पर लेके जाना हुमायूं सईद सब आपको चांद पर लेके जाना चाहते हैं और आप वहीं रह जाएंगे ये बताइए मैं उसको कह दूंगा मेरे पास तो इधर ही ठीक है ये बताइए सर किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे और किसका फोन आए तो आप ना उठाएंगे ना मैसेज पे जवाब देंगे बल्कि अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे ठीक है जी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नासिर चिनियोटी जवाद वसीम और उमर शरीफ साहब तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे जवाद वसीम साहब किन का फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे उमर शरीफ साहब किन का फोन आए तो अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे
नासर चिनोटी उसके मैं घर चला जाऊंगा। नासर चिनोटी साहब आप हैं वो। ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देके आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, इफ्तिखार ठाकुर और कैसर पिया। कैसर को देके कहूंगा इन नाल चोक ले। सर एक को देनी है जैकेट तो, एक है एक को मिलेगी। इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर जबरदस्त। थैंक यू सो मच नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।